मैंने जब मैं अपने गांव में थे तब मैंने फुटबॉल गांव के स्कूल में थे तब मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था सेवेंथ में ऐसा। तो उस टाइम लड़कियों की टीम नहीं थी वहां पे, तो मैं बॉयज के साथ खेलते थे। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के ट्रायल दिए थे तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा होने के नहीं था तो इसलिए मैंने फुटबॉल ही चूज किया क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया फुटबॉल। और फर्स्ट टाइम मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो मैंने और भी ज़्यादा मेहनत करने का सोचा। तो मैंने फिर उसके बाद स्कूल शिफ्ट किया जो मेरे घर से थोड़ा दूर था, शायद 15 किलोमीटर ऐसे था। तो मैंने संत अंतर सिंह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालदी में एडमिशन लिया। वहाँ पे लड़कियों का अकेडमी था और वहीं पे मैंने ट्रेनिंग किया और वहीं पे मैंने फुटबॉल खेला। और अभी उसके बाद फिर जब मैंने वहाँ पे थे तब उसके बाद फिर मैंने कैंकरे एफसी क्लब में गए थे मुंबई लीग महाराष्ट्र लीग खेलने। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हमारा प्रोफेशनल फुटबॉल के बारे में कि कैसे हम लोग खेलते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, वो सब पता चला। तो उस फिर उसके बाद मैंने IWL खेला था सिंध एफसी के साथ पहली बार। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी मदद दिया मेरे गेम इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे कॉल आई थी नेशनल टीम के स्काउट के लिए Under-17 ब्रिक्स कप में। तो उसके बाद जब मैं नेशनल टीम में गई तो सब कुछ चेंज हो गया था मेरा। और मतलब बहुत ही सारी चीज़ें थी जो मुझे पता चली और बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे को कि मुझे क्या करना है आगे क्या नहीं। और ये सब जब से नेशनल टीम में स्क्वाड में हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इधर से। मेरे को जब मैं फुटबॉल में ऐसा लो फील करती हूँ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते तो मेरी बहन मुझे बहुत हेल्प करती है और वो हर टाइम मेरे से बात करती है। उसको गेम के बारे में इतना नहीं पता है पर फिर भी वो मेरे मैचेस देखती है तो कभी कभी वो मुझे बताती है कि तुम इस चीज़ तुम्हारा थोड़ा रनिंग्स ऐसा लग रहा था वैसा लग। उसको फुटबॉल के बारे में तो इतना नहीं पता है पर जब वो मैचेस देखती है तो फिर भी अच्छा लगता है और बात करने के टाइम उससे अच्छा लगता है। और जब 2021 स्टार्ट हुआ था तो हम लोग उस टाइम भी खेलने गए थे उज्बेकिस्तान और टर्की में खेला। तो वहाँ पे भी मतलब पहले थोड़ा खेलने के टाइम मतलब चेंज हो जाता था या फिर फर्स्ट 11 में नहीं होते थे पर उसके बाद मैं 11 में खेलने लग गई हूँ। तो 2021 अच्छा था मेरे लिए। और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन हो गया था तब उस टाइम पर भी दिक्कत हुआ था, पता सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। तो ट्रेनिंग वगैरह करने का थोड़ा मुश्किल हो रहा था पर फिर भी घर पे थोड़ा थोड़ा करते थे मैं। और फिर उसके बाद जब हम कैंप में आए तो बहुत ही कुछ चेंज हो चुका था, मतलब कोच चेंज हो गए थे तो ट्रेनिंग स्टाइल चेंज हो गया था। तो उसके बाद उस हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा पर ट्रेनिंग स्टाइल जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो हम खेलते हैं। और जब ये सब होने के बाद और ब्राज़ील के खिलाफ गोल किया तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब कोविड सिचुएशन में थी तब काफ़ी मुश्किल हुआ था ट्रेनिंग के लिए पर फिर भी घर पे थोड़ा थोड़ा करते थे तो शायद लगा कि वो सब काम आया। अभी जब से सर के साथ प्रैक्टिस करते आ रहे हो तब मेरा थोड़ा पासिंग क्वालिटी जो था मतलब जो पासिंग चीज़ें होती है जैसे कौन सा प्लेयर कैसा बॉल चाहिए और किस स्पीड में बॉल जाना चाहिए उस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो थोड़ा पासिंग क्वालिटी बेटर हुआ है और थोड़ा फिनिशिंग के ऊपर भी काम अच्छा काम हुआ है। और मतलब जो स्पीड स्ट्रेंथ सेशन स्पीड सेशन करते थे उसमें भी काफ़ी बेटर हुआ है और स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई है जब से कैंप ज्वाइन किया है। तो वो सबसे बहुत फ़र्क पड़ा है। सब टीम के अंदर हमारा पहले से बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है हमारे में कि कोई किसी के लिए ऐसा कुछ रखता हो। सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं और जो सीनियर्स है काफ़ी हेल्पफुल है
हर चीज में मदद करते हैं, अगर उनको पर्सनल हो या फिर कोई भी इशू हो अगर बताएंगे तो वो जरूर हेल्प करेंगे। फुटबॉल के बारे में हो उसमें भी वो काफी हेल्प करते हैं, तो सीनियर्स के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग है और काफी हेल्पफुल है सब लोग यहाँ पे। अभी जो हम ब्राजील में खेल के आए उससे जो हमारा स्क्वाड है उसमें पहले से काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है गेम्स के लिए, और आई थिंक ब्राजील में हम लोग को काफी एक्सपीरियंस मिला है जो हमारे एएफसी में हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से मैं अपने आप को उस हिसाब से अभी बिल्ड कर रही हूँ मेंटली और फिजिकली कि जो मुझे एएफसी में हेल्प करें, और मैं अपने आप को बेटर करने का कोशिश कर रही हूँ कि जिससे एएफसी में मैं बेटर परफॉर्मेंस कर पाऊँ। और टीम की बात करें तो सब टीम वाले अपना प्रैक्टिस फील्ड पे और कुछ भी सेशन होते हैं हमारे, ट्रेनिंग सेशन, जिम सेशन, सब अपना 100% दे रहे हैं, सब फोकस्ड हैं, और आई थिंक वो लोग भी अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एएफसी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब फोकस्ड हैं इस चीज़ के लिए।